हमने यहाँ पर किसी भी बोतल का या फिर डब्बे का जो है वो ढकना ले लेना है और इसकी मदद से हमने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपने इनकी लाइन लगानी है और इस तरह से हमारे पास एक सर्कल जो है वो बन जाएगा। फिर आपने एक छोटा मिनी सर्कल बनाना है इस तरह से, थोड़ा सा जो है वो, और फिर उसके साथ इस तरह से आपने लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इजी है बच्चों के लिए। यहाँ से हम इसका जो है वो लीफ बनाएंगे। ये दरमियान से जो है वो हमने लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हम इसमें करते हैं कलर, और कलर्स के लिए जो है वो ऑरेंज में ऑरेंज कलर ही यूज़ होता है, तो हम ऑरेंज कलर इसमें करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम इसकी आउटलाइन जो है वो ड्रॉ कलर करेंगे, ठीक है। आउटलाइन जो है ताकि हम जब करने लगे तो हमारा जो कलर है वो लाइन से बाहर ना जाए, ठीक है। तो आउटलाइन पे सबसे पहले आपने जो है वो कलर कर लेना है, उसके बाद फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता अंदर जो है वो कलर करना शुरू करना है। इस तरह से आप आउटलाइन जो है वो कलर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से करें, कोई भी वाइट पार्ट जो है वो ना रहे। आपने इस तरह से करना है और बिल्कुल लाइन से के साथ साथ करना है। ये फॉर बिगनर्स के लिए है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने भी ड्राइंग स्टार्ट की है, कलरिंग स्टार्ट की है। सारे वाइट पार्ट जो है वो नज़र नहीं आने चाहिए, इसी तरह से आपने करना है, वाइट पार्ट बिल्कुल भी नज़र ना आए, ठीक है। सारा आपने उसको अच्छी तरीके से जो है फिल करना है। J, K, L, M, N, O, P.
अच्छा, जब ये आपने सारे जब वाइट पार्ट्स आपके कंप्लीट हो जाए और बिल्कुल सारा हो जाए, उसके बाद आपने येलो कलर लेना है और उसके ऊपर सारा जो है वो येलो कलर आपने फेरना है, ठीक है। अभी तो ये मैं ऑरेंज ही कर रही हूँ थोड़ा, ताकि जो भी वाइट पार्ट्स हैं वो नज़र ना आए, ठीक है। उसको मैं फिल करने की कोशिश कर रही हूँ जितना मुझसे हो सकता है, आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। अब ये वाइट जो है वो, सॉरी वाइट कह रही हूँ, येलो कलर जो है वो आप लोगों ने ले लेना है और उसके बाद आपने इसको येलो कलर्स करना है। इससे ये होगा कि इसमें थोड़ा सा खटा खटा सा जो है वो एक फीलिंग सी आएगी और ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रियलिस्टिक जो है वो ये फील होगा, ठीक है। तो आपने जो है वो येलो कलर करना स्टार्ट कर देना है और चारों तरफ करना है, सारी जगह से करना है, ठीक है। तो इसमें इससे फ़ायदा ये भी होगा कि जो वाइट पार्ट्स आपके रह गए होंगे वो भी इससे जो है वो छुप जाएंगे, ठीक है। तो आपने सारा इस तरह से इसको येलो कलर से कवर कर देना है। ये जो चलें जी पे ग्रीन कलर से जो है वो आपने फिर इस तरह से लीव्स में कलर करने शुरू कर देने। आपने नीचे वाला पार्ट थोड़ा डार्क करने की कोशिश करनी है और ऊपर वाला पार्ट जो है वो थोड़ा लाइट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। लेकिन वाइट पार्ट कोई भी बाकी ना रहे, क्योंकि आपने पूरा फिल करने की कोशिश करनी है उसको, यानी कि दरमियान से वाइट थोड़ा सा भी नज़र ना आए, ठीक है। सारा आपने अच्छी तरीके से करने की कोशिश करनी है। इसके बाद मैंने ब्राउन कलर लिया और ये अब मैं जो वो ब्राउन कलर से थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा साइडों से डार्क करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा जो है वो एक सर्कल जो एक ऑरेंज की लुक है वो रियलिस्टिक लुक आए, ठीक है। तो मैं डार्क करने की थोड़ी सी कोशिश करूँ। ये किड्स कलर्स हैं तो पहले आप किड्स कलर्स ही लें, उसके बाद फिर आप प्रोफेशनल कलर्स पे जा सकते हैं, ठीक है। तो बिगनर्स के लिए कलर्स अच्छे होते हैं, वो इन्हीं से अपना स्टार्ट ले सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं प्ले ग्रुप के, और तो वो ये कलर्स इन कलर्स से वो जो है वो सीख सकते हैं, ये बेस्ट है। तो आप इस तरह से फिर साइड से जो है वो इसको डार्क करना शुरू कर देना, ठीक है।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। थैंक यू, शुक्रिया।